हाय दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑटो शो इंडिया। OMG इट्स CNG, इस स्लोगन के साथ टाटा मोटर्स ने फाइनली अल्ट्रोस CNG को अनवील कर दिया है। ये सभी शोरूम्स में आ चुकी है, आप किसी भी शोरूम में जाकर देख सकते हैं कार को। इसमें डिलीवरीज वगैरह भी अब ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी हैं। इसी तरह मैं भी एक शोरूम पे गया था, ये है ट्रियो टाटा सफदरजंग, यहाँ पे मैंने इसे अनवील होते हुए देखा। काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पर जो है कस्टमर्स के साथ और पूरा स्टाफ ने मिलके इसको जो है इनॉग्रेशन किया गया है यहाँ पे इस गाड़ी का। आप भी मेरे सामने देख सकते हैं किस तरह से इस कार को अनवील किया गया है। फाइनली कार की कीज़ आ चुकी है मेरे पास, आप देख सकते हैं इसमें दो स्मार्ट की आती हैं। ये टॉप मॉडल खड़ा हुआ है अभी डिस्प्ले के अंदर, तो इसके अंदर काफ़ी अच्छे और प्रीमियम फीचर्स आते हैं। जैसे जितनी भी प्रीमियम गाड़ियाँ आती हैं उनमें फ़ीचर्स होते हैं, वो इसमें भी मिलेंगे आपको। यहाँ तक कि इसके अंदर आपको सनरूफ भी मिल रहा है, 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। उसके अलावा इसमें वायरलेस चार्जर है, हरमन का इसके अंदर सिस्टम लगा हुआ है। बहुत कुछ है जो आपको इस वीडियो में अभी देखने को मिल जाएगा। बाकी फ्रंट की अगर बात करूँ, फ्रंट बहुत ही प्रीमियम है इसकी, काफ़ी एरोडायनेमिक है कार। इसकी जो हेडलैम्प मैं देख पा रहा हूँ उसके अंदर प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, तो इसकी जो विजिबिलिटी है रोड पर अच्छी रहेगी। फॉग लैम्प दिए गए हैं इसमें, एक बड़ा सा यहाँ पे एयर वेंटिलेशन के लिए स्पेस दिया हुआ है। बाकी साइड प्रोफाइल से भी देख सकते हैं आप, गाड़ी बहुत ही शानदार है। खासकर इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही एरोडायनेमिक है, हर चीज़ को आप देखेंगे ना बहुत ही शार्प डिज़ाइन दिया गया है। जैसे साइड मिरर भी है इसका, तो काफ़ी शार्प है देखने में, इसके एजेस बहुत अच्छे लगते हैं। फ्रंट भी ऐसा ही है, यहाँ तक कि अलॉय व्हील का जो भी डिज़ाइन है ना वो भी काफ़ी शार्प इसके अंदर दिया हुआ है। बहुत ही शानदार ये लग रही है गाड़ी ओवरऑल। उसके अलावा इसका दरवाज़ा खोल के मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ। इसमें डूल टोन इंटीरियर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन इसमें दिया गया है। उसके बाद सबसे बड़ी जो खासियत मुझे इसकी लगती है ना, जितना वाइड ये ओपन हो रहा है तो ईजिली आप आराम से इसमें बैठ सकते हैं, उतर सकते हैं। सेम इसमें पीछे वाला जो डोर है वो भी काफ़ी वाइडर ओपनिंग है, तो टाटा की गाड़ियों की तो बहुत बड़ी खासियत है कि इतने वाइड डोर ओपनिंग होती है, आराम से आपके फैमिली मेम्बर्स बैठ सकते हैं इसमें, उतर सकते हैं। बाकी गाड़ियों में इतने वाइड ओपन डोर नहीं होते। बाकी एक बार अंदर भी बैठ के आपको इसमें सारा कुछ मैं दिखा दूंगा, किस तरह का स्पेस वगैरह है इसमें, क्या क्या फीचर्स इसके अंदर अंदर दिए गए हैं। इसके अलावा एक बार सबसे इंपॉर्टेंट इसकी चीज़ देख लेते हैं, जिसके लिए स्लोगन लिखा हुआ है पीछे। तो आइए देखते हैं एक बार इसकी डिक्की को ओपन करके कि किस तरह का स्पेस टाटा ने इसमें निकाला है। नॉर्मली हैचबैक में अगर आप देखोगे ना, जहाँ भी CNG लगी हुई है, उन गाड़ियों में पीछे स्पेस ही नहीं है। यहाँ तक कि कुछ सिंगल बैग्स भी नहीं आ सकते बहुत सारी गाड़ियों में। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन गाड़ियों का, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हो अदर कार्स को और टाटा कीज अल्ट्रोस CNG को। ये ट्रियो टाटा में इस वक्त देखें आप, पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है OMG CNG अल्ट्रोस CNG, ये ICNG टेक्नोलॉजी इसको बोला जा रहा है। उसके अलावा इंडिया फर्स्ट है ये। उसके बाद पीछे आप देखिए 210 लीटर का बूट स्पेस है इसके अंदर, बहुत ही बड़ा बूट स्पेस है। नॉर्मल छोटी गाड़ियाँ हैं ऑल्टो वगैरह में तो इतना बूट स्पेस आता भी नहीं विदाउट CNG में भी, इसमें CNG के साथ भी इतना दे दिया गया है। उसके अलावा प्रॉपर यहाँ पर जो है सिलेंडर्स की जो माउंटिंग की गई है वो बहुत ही अच्छे से इसके अंदर माउंट है। आप देख सकते हैं अंदर का जो इसका लुक नज़र आ रहा है कितनी शानदार है, काफ़ी अच्छे से लगाए हुए हैं। ये जो कैपेसिटी है इन सिलेंडर्स की वो है 30 लीटर प्लस 30 लीटर, यानी कि 60 लीटर कैपेसिटी है। अप्रॉक्स 8 to 9 kg गैस इसमें आ जाएगी और आप 200 से अप टू 250 किलोमीटर तक की भी जर्नी इससे आराम से तय कर सकते हो। बाकी पीछे का लुक काफ़ी अच्छा है, इसमें सारे फीचर्स वगैरह दिए हुए हैं। जब बात करेंगे इसके जो इंटीरियर्स की, तो इसमें लेदरेट सीट दी हुई हैं, आपको किसी तरह के सीट कवर्स चढ़ाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं इसकी, काफ़ी थिक हैं और फिट एंड फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी दी हुई है। उसके अलावा ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट आपको इसमें मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील जो है उसमें आप टिल्ट एडजस्टमेंट कर सकते हो इसको। उसके अलावा हम इसमें देख सकते हैं जो इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर है, ये अप्रॉक्स 10 inches का है, काफ़ी बड़ा इसके अंदर डिस्प्ले दिया हुआ है। पूरा ये जो है डिजिटल है और काफ़ी अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दिखती है। उसके अलावा ये 7 inches का इसमें हरमन का स्टीरियो दिया गया हुआ है, जिसके साथ में इसमें आपको मिलेंगे लगभग 8 स्पीकर्स, 4 स्पीकर्स होते हैं और 4 ट्वीटर्स होते हैं, तो 8 का टोटल ये सेट होगा। रिवर्स कैमरा आपको इसमें नज़र आ रहा है,
टेल गेट ओपन इस वक्त दिखा रहा है, ऐसे पीछे किसी ने टेल ओपन कर दिया होगा। बाकी एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ वो है सनरूफ। आपको इस सीएनजी कार में सनरूफ का ऑप्शन भी मिलता है, जो मिसिंग था काफ़ी कारों में अभी, कि आप एक प्रीमियम गाड़ी लेना चाहते हो लेकिन सीएनजी भी चाहिए सनरूफ भी चाहिए, तो इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा डैशबोर्ड आप देख रहे हो, इसका डैशबोर्ड भी काफ़ी शानदार लग रहा है। अभी इसमें पूरा व्यू आपको नज़र आ रहा है, जो इसका कॉम्बिनेशन दिया गया है, जो डैशबोर्ड की लुक है, जो इसका फ्लोटिंग डिज़ाइन है, ये एक प्रीमियम कार में आया करता था पहले। महंगी से महंगी गाड़ियां मर्सिडीज़ बीएमडब्ल्यू भी ऐसा डिज़ाइन यूज़ करती थी। रियर की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी स्पेशियस है, रियर से भी बैठने में काफ़ी कंफर्ट आपको फील होगा, लेग रूम अच्छा है, पीछे आर्मरेस्ट दिया हुआ है, हेडरेस्ट वगैरह प्रॉपर इसके अंदर दिए हुए हैं। बाकी रियर एसी वेंट आपको इसको मिलेगा ही। और एक लास्ट में आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो सीएनजी का बटन है वो यहाँ पे दिया गया हुआ है, आप यहाँ से सीएनजी से पेट्रोल या पेट्रोल से सीएनजी पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑटो फंक्शन पे रहती है जब भी आप इसे ऑन रखोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।